ही दिमाग खराब कर रहे, उठते ही दिमाग खराब, गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है ना, उठते ही दिमाग खराब कर देता मम्मा का, है ना रियांश? गुड मॉर्निंग बोलो, नहीं बोलना, जा रही हूँ मैं, बाय। गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते भाई सभी फ्रेंड्स को, और कैसे हैं आप सब? आई हो भाई, बड़ी आई हो गए सारे के सारे। आज मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, जो पतली पतली होती है भाई, मतलब कैसी होती है, जो पूरी के साथ खाते हैं ना वैसी पतली वाली सब्ज़ी आलू की। आलू मैंने उबाल दिए थे भाई, और प्याज टमाटर भी काट के रख दिए हैं, अब थोड़ा सा है ना लहसुन डालूँगी, तो वो छील के रख रही हूँ। तेल ज़्यादा ही गर्म हो गया भाई, तो इसके अंदर मैंने जीरा और लहसुन और प्याज डाल दिया है, ये ब्राउन हो जाएंगे, फिर टमाटर डाल दूंगी इनके अंदर। तो भाई ये उबले हुए आलू हैं, इनका थोड़ा सा ना फोड़ फोड़ के इनका मिक्सचर सा बनाना है, फिर इसमें थोड़ा पानी डाल के और वो ही सब्ज़ी में डालते हैं, उसी से पतली और रसदार सब्ज़ी बनती है। तो ये देखिए भाई, प्याज बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं, अब थोड़ी देर इनको भी मिक्स करके इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, फिर ये अच्छे से गल जाएंगे टमाटर के अंदर। तो भाई बार बार जो छोक लगाया है ना उसको हिलाना पड़ता है, नहीं तो वो नीचे लग जाएगा, क्योंकि इसमें अभी मैंने पानी नहीं डाला है, थोड़ा सा पानी डालने के बाद तो फिर भी नहीं लगता, लेकिन बिना पानी डाले तो लग जाता है इसके अंदर। अब इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ, बस नमक मेरे हल्दी यही नॉर्मल मसाले और थोड़ा सा गर्म मसाला यही डालती हूँ मैं। और भाई इसके अंदर है ना मैं लाल मिर्च ज़रूर डालती हूँ, लाल मिर्च का जो होता है ना पाउडर, उससे है ना थोड़ा कलर आ जाता है सब्ज़ी में और देखने में बहुत अच्छी लगती है, खाने में चाहे लगो ना लगो लेकिन उसका कलर जो होता है ना वो टेस्टी दिखता है एकदम, सब्ज़ी बिल्कुल लाजवाब लगती है उससे। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि ये नीचे है ना छोक जो है ये लगेगा नहीं और ये जलेगी भी नहीं नीचे से, थोड़ा सा इसको पकाना है तो बिना पानी डाले तो भी नीचे से लग जाएगी, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ मैं इसके अंदर। तो भाई हमारा तड़का जो है ना सब्जी का हो गया तैयार, ये देखो थोड़ा थोड़ा कलर आपको दिख रहा होगा इसमें, रेडिश आ रखी है ना, रेड रेड सी शाइन दिख रही है छोक जो मैंने लगाया उसके अंदर, ये लाल मिर्च की वजह से ही आई है अभी। और अब इसके अंदर हम बस आलू डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे, बस पतली पतली तरीदार सब्जी आलू की तैयार हो जाएगी हमारी। तो भाई सब्जी तो हो गई तैयार, अब इसको कुकर को बंद कर दूंगी और एक दो सीटी लगवा के अपना हो जाएगा काम ख़त्म सब्जी का। और उसके बाद मैं जा रही हूँ अपने कपड़े संभालने, क्योंकि मैंने लगा रखी है मशीन, और संडे को मैं मशीन लगाती हूँ भाई, और क्या करती हूँ कि झाड़ू लगा देती हूँ, उस दिन मैं पोछा नहीं लगाती क्योंकि फिर मशीन में ही दो घंटे लग जाते हैं, वही काम पूरा होता है तब तक हमारा खाना बनाने का टाइम हो जाता है, इसलिए उस दिन मैं लगाती हूँ सिर्फ झाड़ू, पोछा नहीं लगाती हूँ उस दिन मैं। तो एक चक्कर पूरा हो गया, ये वाले कपड़े मैं निकाल दूंगी और दूसरे डाल दूंगी इसमें। तो कपड़े मैंने निकाल दिए थे और अब मैं आ गई हूँ किचन में वापस, और ये बिस्किट रखे थे भाई दो तीन पैकेट मैं लेके आई थी, तो डिब्बे में डाल के रख देती हूँ, नंबर वाइज इनको खोलती रहती हूँ, एक एक खोलती हूँ, नहीं तो बाद में है ना नमी हो जाती है ज़्यादा और ये सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाते हैं तो ख़राब से लगने लगते हैं, इसलिए एक ही पैकेट खोल के रख रही हूँ चाय वाय के साथ लेने के लिए। ये वाले डिब्बे हैं ना ये बिल्कुल है ना टाइट बंद हो जाते हैं, इसलिए इसमें हवा नहीं जाती, इसी में रखती हूँ मैं, नमकीन वगैरह होती है और बिस्किट वगैरह होते हैं इन्हीं में डाल के रख देती हूँ। तो भाई टाइम हो चुका है 9 बज गए हैं, लेकिन तन्वी अभी भी सोई रही है और हमारा खाना बनाने का टाइम होने वाला है। तो मैंने अब बनानी चालू कर दी भी रोटियां, और सब्जी मैंने पहले बनाई दी थी और अब रोटियां बना के उसके बाद फिर कपड़ों में लग जाऊंगी, पहले अपनी रोटी बना के रख देती हूँ।
तो भैया संडे है इसलिए हमने सोचा आज तन्वी की बुआ के घर घूम के आए, काफ़ी दिन हो गए वहाँ गए तो वहाँ की तैयारी पकड़ ली हमने, वहीं जाएंगे अब। तो भाई हम पहुंच गए हैं मेरे ननंद के घर। मैंने पहले भी दिखाया था एक व्लॉग में आपको, ये सेक्टर 2 में बना रखा उन्होंने बहादुरगढ़ में, ये उनका सामने वाला घर है। मेरा तो मेरे पास है जी, तो रियांश भाई अब घंटी बजा रहा है, 2 बार बजा ली, अब खोलेंगे गेट तब अंदर जाएंगे। कोई नहीं खोलता रियांश। अरे खुल गया, पता नहीं भालू है या शेर। चल चल चलो आगे, आप चलो चलो आगे। रियांश को आती लग गई भूख, इसको मिल गया अभी हलवा खाने के लिए, और हम बैठ के देख रहे हैं सारे टीवी, टाइम पास कर रहे हैं टीवी देख के। ये देखो सारे आराम से लेटे हैं सोफे पे, कोई बैठा है, तन्वी भी हलवा खा रही है, रियांश भी हलवा खा रहा है। तो भाई बेसन का हलवा बना हुआ था और बहुत अच्छा था, मैंने भी टेस्ट किया था, काफ़ी अच्छा बना हुआ था हलवा, मज़ा आ गया खा कर कभी। तो भाई रियांश टीवी देख रहा है, बंद ही नहीं करने दे रहा, जब से आया है तब से है ना टीवी पे बैठा है। तो भाई ये देखो शैतान जिमी भी बाहर आ गई, और ये देखो भाई रियांश के पापा जी के साथ तो बहुत ज्यादा शरारत करती है ये, बिल्कुल देखियो पागल बना दिए हम तो, बिल्कुल तो सारे के सारे इसने। क्या बना रहे हो अम्मा? मैगी। वाओ मेरी फेवरेट, मुझे थोड़ी ज्यादा देना। अच्छा ये मेरी चाय और ये बिस्किट खा लो भाई सब। दोपहर का हो गया टाइम, 3 बज गए हैं, इसलिए मैगी और चाय बना रहे हैं। बुआ के घर से आए थे अभी, यस फोन हो गया था स्विच ऑफ, नहीं तो आते वक्त वहाँ की भी बनाती, वहाँ कुछ नहीं बन पाया, बस वहीं बैठे थे तभी बनाई थी वीडियो, उसके बाद नहीं बन पाई क्योंकि मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। रियांश और तन्वी भाई मैगी पे जोर दे रहे हैं, देखो दोनों को भूख लग रही थी, आते ही मैगी बनवा ली इन्होंने, अब मैगी खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं आराम से बैठ के। हैं माथा क्यों पकड़ रहा है, दर्द हो रहा है क्या माथे में? है रियांश सिर में दर्द हो रहा है? नो जी में क्या आ गया? मैगी खा ले, बैठ के खा बेटा, ऐसे नहीं बैठ जा।